ये हमारे छोटे बड़े में फर्क डालने वाले ये कौन इंसान है, इन्होंने कौन सी शिक्षा ली है, इन्होंने कौन से विद्वान पढ़े हैं। संघर्षशील साथी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। मैं अभी सामने जनसंख्या के एक आंदोलन में अभी वहां से बोल के आ रहा, मुझे मालूम नहीं था। आया तो मेरे पुराने दोस्त, उन्होंने मुझे बताया, मैंने शायद वीडियो अपने फोन पे शायद वायरल हुई देखी, पर मुझे ये नहीं पता था ये कहां का हादसा है, क्यों हुआ, कैसा हुआ, ये था नहीं, पर अब जाके पता चला ये वीडियो वही है। अभी मैं सामने भाषण देके आ रहा था और आजादी मिली हुई आजादी और आज की आजादी, ये दो चीजों में मैं बात कर रहा था। क्या हमारा भारत मुकम्मल आजाद है, क्या वो आजादी मिली, क्या छोटे बड़े में जो फर्क था क्या उसके अंदर बराबरी हुई, नहीं। हमारा संविधान बना हो, हमारा कुछ बना हो, हम उस रास्ते पे नहीं चले। अभी 5 दिन पहले मैं ग्वालियर के पास एक मंदिर में बगलामुखी मंदिर हर साल जाता हूं, ये पराग जैन जी मेरे साथ जाते हैं, वहां एक लड़की कई वर्षों से देखता हूं, होगी 15-20 साल की, 18 साल की होगी। मैं अपनी जिंदगी की उदाहरण बताता हूं कि लड़की हमेशा मंदिर में बैठती इस तरीके से भगवान की तरफ वो हो जाती, लगता कि भगवान उसके साथ है। मैं देखता रहा, मैंने किसी को बोला, अरे वो लड़की बड़ी ध्यान से बैठी रहती है भगवान की तरफ, कहता वो लड़की को मंदिर नहीं आने देते थे, क्यों, क्योंकि वो लड़की जो है वो सफाई करती थी जहां पे, इसलिए वो अंदर नहीं जा सकती। मुझे बड़ा दुख लगा, मैं कहा मैं लड़की से मिलना चाहता हूं, वो कहता अभी बुलाते, मैं कहा नहीं अभी वो अपनी साधना पे बैठी हुई, वो जैसे उठी वो आदमी ले आया। मैंने उसको कहा बेटा मैं जब भी आता हूं तुम्हें देखता हूं, बड़े दिल के साथ तू माता रानी के चरणों में रहती, और कोई ऐसा नहीं रहता जितना तुम्हें देखता हूं। तो मैंने कहा बेटा मुझे आशीर्वाद दे दो, वो दूर जाने लगी, मैंने उसके दोनों हाथ पकड़े अपने सिर पे रख, अब फिर गया मैं, फिर वो उसको बुलाया, फिर उसके हाथ सिर में रख लिए, इस बार उसने मना नहीं किया। सवाल सबसे बड़ा ये है, ये हमारे छोटे बड़े में फर्क डालने वाले ये कौन इंसान है, इन्होंने कौन सी शिक्षा ली है, इन्होंने कौन से विद्वान पढ़े हैं। अगर किताबें पढ़ के, अगर कॉलेज यूनिवर्सिटियों में जाके कोई डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, कोई हिंदुस्तान का बड़ा पॉलिटिशियन बन गया, कोई एमएलए बन गया, कोई एमपी बन गया, मिनिस्टर बन गया, अगर वो कास्टिज्म के ऊपर छोटे और बड़े में बात करता है तो वो मुल्क का गद्दार है, वो हिंदुस्तानी हो ही नहीं सकता, ये मेरा मानना। अरे कभी सोचा, आज हम सड़कों पे चलते हैं जनाब, आप हम घरों में रहते, बड़े होटलों में जाते हैं, क्या हम सफाई करते हैं यहां जाके, हम जाते हैं सुंदर दिखाई देता है, ना कोई जाए वहां पे, 5-स्टार होटल में कोई घुसेगा नहीं, सड़कों पे कोई चलेगा नहीं, ये मातृभूमि भारत माता के खून से सजी हुई धरती को पूरा साफ सुथरा रखते हैं, इतिहास बनाया है इस कौम ने, इस धर्म ने, और हम उनके साथ फर्क डालते, ऐसे लोगों को फांसी होनी चाहिए। और मेरा हाथ जोड़ के संदेश उनको दे देना भोपाल के अंदर कि अगर कोई भी उनका आंदोलन होगा सबसे पहले उस आंदोलन के अंदर मैं खड़ा हूंगा, भूख हड़ताल पे बैठना हुआ या और भी बड़े से बड़ा को काम करना होगा उसके लिए मैं खड़ा हूं। मैं इन चीजों का बड़ा खिलाफ हूं और बड़ा दुख आता है, अभी भी मैं सुनता हूं, मैं सोच के कहता हूं भी भारत आजाद मुकम्मल नहीं हुआ। किसी अधिकारी ने, पुलिस अधिकारी ने बोला कि अभी भी ऐसे कई गांव हैं इस देश के अंदर, वो बड़े लोगों का घर होता है, अगर उनके घर से गांव से निकलना है तो हमारी बूढ़ी मां औरतें पूरे व्यक्ति चप्पल उठा के सिर पे रखते हैं, जब उनका घर निकल जाता है फिर चप्पल पहन के निकलते, क्या इसको आजादी कहते, क्या इसको भारत आजाद कहते,
किसको कहते हैं शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव मंगल पांडे ने कुर्बानियां दी, क्या उनका ये सपना था? उनका सपना ये नहीं था, उनका सपना था छोटे बड़े में फर्क ना रहे। तो मैं बड़ा दुखी हूं इस बात को लेकर के जो मैंने देखा, जो मैंने अभी सुना। आप भी काम करें और इसके ऊपर जो मेरे से हो सकता है इसकी आवाज मैं भी उठाऊंगा। वंदे मातरम, जय हिंद।